हेलो गाइस, फूडी टूर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ पूनम गुप्ता। आज हम आपको राजस्थान की फेमस मंगोड़ी बनाना सिखाएंगे, साथ ही हम मंगोड़ी को साल भर तक भी स्टोर कर सकते हैं। और मंगोड़ी और आलू की एक चटपटी सब्जी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मूँग दाल ली है, यह है आधा किलो, और इसको हमने धोकर ओवरनाइट भिगो दिया है। अब दाल अच्छी तरह फूल चुकी है और इसको हमने छलनी में छानकर दो तीन बारी साफ पानी से धोया ताकि स्मेल निकल जाए। और मिक्सी में डालकर हम इसमें आधा कप पानी डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इस पेस्ट को छलनी में छान लेंगे ताकि इसके बीच में कोई दाना ना रहे। ये देखिए, अब अच्छी तरह छान लिया है। मंगोड़ी को हम सॉस की बोतल में बनाएंगे ताकि हमारी मंगोड़ी इजी से बन जाए, और ये पेस्ट हम इसमें भर देंगे। अगर आप मंगोड़ी हाथ से बना रहे हैं तो छलनी में मत छाने। ये देखिए, पेस्ट को हमने बोतल में भर लिया है और अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। एक प्लास्टिक शीट लेंगे और इसको हम ग्रीस कर लेंगे, और छोटी छोटी मंगोड़ी हम सॉस की बोतल से बनाएंगे। देखिए, हमने इस तरह ही सारी मंगोड़ी बना ली है। अब मंगोड़ियों को सूखते हुए दो तीन दिन हो गए हैं और ये अंदर तक सूख चुकी हैं। इनको गर्मी में ही तोड़ें, मई जून की गर्मी में, ताकि ये अच्छी तरह सूख जाएं। चलिए अब हम मंगोड़ी की टेस्टी सब्जी बनाते हैं। ये हमने एक आलू लिया है और इसको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और ये हमने प्याज ली है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। साथ में ही हम टमाटर लेंगे, इसको भी आप काट लें या इसका पेस्ट बना लें। और ये हमने सब्जी को चटपटी बनाने के लिए हरी मिर्च ली है, इसको भी बारीक काटा है। और ये हमने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं, जिसमें हमने नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा लिया है। अब हमने गैस पर कढ़ाई को रखा है और इसमें हम दो चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, और तेल को अच्छी तरह गर्म होने दें, और इसमें हम एक चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसमें आप प्याज डाल दें और एक दो मिनट के लिए मीडियम आंच पर भूनें। और ये इसमें हम मंगोड़ी डाल देंगे और मंगोड़ी को भी प्याज के साथ 5 मिनट मीडियम आंच पर भूनें। और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब तीनों चीज़ों को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, तीनों चीज़ें भुन चुकी हैं और ये हमने सूखे ड्राई मसाले मिला दिए हैं। गैस को आप कम कर दें और मसालों को अच्छी तरह भून लें 1 मिनट के लिए। इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को आप 2 मिनट ढककर पकाएं ताकि टमाटर और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें कटे हुए आलू मिला देंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए भून लें मसालों के संग। और इसमें हम 2 गिलास सिंपल पानी मिलाएंगे और इसको हम 25 मिनट ढककर पकाएंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 2 सीटी लगाएं। ये देखिए, अब हमारी आलू मंगोड़ी बन चुके हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए, अब हमारी आलू मंगोड़ी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है और देखने में ही कितनी बढ़िया लग रही है। इसे आप घर पर ज़रूर बनाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।